मेरी ये दुआ है कि खाओ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। अभी जा रहे हैं, ये वही जगह है आप जानते होंगे जहां हम मतलब मैं वॉक पे जाता हूं। आज बाइक पे निकल गए हैं, थोड़ा मौसम अच्छा था तो इस तरफ आने का अपना ही मज़ा है। अपने दोस्तों से कह रहा हूं कि भाई कोई कढ़ाई वगैरह कुछ बनाए बनाए इस तरफ, लेकिन ये लोग मेरे साथ हम ही नहीं भर रहे, बना क्या करें इनके साथ। देख के माहौल हुए पर बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है, माहौल है अच्छा सा, सुकून का माहौल है। ओए बंदा दिल करता है बंदा सो जाए यहाँ पे। हाँ ये कपास है, बिल्कुल रेडी है। अब इसके क्या होगी, लो लो उर्दू में क्या कहते हैं, इसे चुनना शुरू कर देंगे लोग। पूछना तो हक बनता है भाई, करो सजदा एक खुदा को, दुआ को दफा। क्या बकवास कर रहे हो बताना जरा कैमरे में, ये बंदा बकवास कर रहा है, पता नहीं इसका क्या मसला है। यार मैं रोज यहाँ वॉक करने आता हूँ और हवा का नामो निशान भी नहीं होता। आज मैं बाइक पे आया हूँ व्लॉग बनाने, तो देखें हवा भी शुरू हो गई है, पता नहीं हवा को क्या मसला है हमारे व्लॉग के साथ। ये भी हमारे साथ एंजॉय करने आ गया है। हेलो हेलो, देख भी नहीं रहा मेरी तरफ। कोई बता दे भाई, इसका दिमाग आजकल गर्म है, ठंडा करने के लिए इसे क्या करना चाहिए। आज फिर से सनसेट के दौरान हम पहुंच गए हैं इस तरफ, आज जा रहे हैं आगे। अगर रास्ता है तो देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं, वीडियो में बने रहिएगा। और ये पापड़ मैं लेकर आया था, मुझे पसंद है ये। और ये कैमरे से नाराज़ है, पता नहीं इसे क्या मसला है, कैमरे की तरफ देखता भी नहीं है आजकल। क्या इशू चल रहा है भाई आपका, बताओ ज़रा। चलें खैर, अभी मौसम के साथ ये पापे वगैरह थोड़ा बहुत एंजॉय कर लेते हैं यहाँ। यार यहाँ का माहौल देखें, इस वक्त बड़ा ही मज़ा आता है और वाक तो होती नहीं है क्योंकि हवा का नामो निशान भी नहीं है। इस किस्म का स्टेटस किसी ने भी बनवाना हो तो इससे रब्ता कर सकता है।